तो गाइज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं वेब डेवलपमेंट। बहुत सारे लोग गाइज हमसे पूछते हैं कि एक अच्छा वेब डेवलपर कैसे बना जाए, मतलब एक प्रो वेब डेवलपर कैसे बना जाए। तो इस वीडियो में हम लोग वही सारी चीजें बात करने वाले हैं। साथ ही साथ में मैं ये भी चीज आपको बताऊंगा कि आपको कौन सी टेक्नोलॉजी कितने टाइम में सीखनी चाहिए कि वो वर्थ हो भाई। मतलब ऐसा ना हो कि आप 6 महीने साल भर लगा दें सीखते सीखते, क्योंकि टेक्नोलॉजी समय के साथ चेंज होती रहती है, तो उस समय की आपको वैल्यू भी करनी है। तो इस वीडियो में मैं सारी चीज आपको बताने वाला हूँ, कितना टाइम लगेगा, कितना आपको टाइम लेना चाहिए। तो चलते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन है कि वेब डेवलपमेंट रोड मैप क्या है। तो सबसे पहले हमें ये गाइस पता होना चाहिए कि एक्चुअली वेब डेवलपमेंट होता क्या है। तो वेब डेवलपर एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर ही होता है। बहुत लोग को कंफ्यूजन होती है कि क्या वेब डेवलपर एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर होता है कि नहीं होता। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि वेब डेवलपर जो होता है वो एक तरीके का सॉफ्टवेयर इंजीनियर ही होता है, जो वेबसाइट या वेब एप्लीकेशंस को डेवलप कर रहा होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं वेब डेवलपर। अब ये वेबसाइट और वेब एप्लीकेशन क्या है, तो हम लोगों ने अपने भाई अपने समय में बहुत सारी वेबसाइट्स यूज़ कर रखी होंगी, जैसे फेसबुक हम लोगों ने यूज़ कर रखी होगी, ऑब्वियस सी बात है आपने भी यूज़ कर रखी होगी, गूगल यूज़ कर रखी होगी, एंड अलग अलग तरीके की जैसे अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, ये सारी जो वेबसाइट्स हैं या वेब एप्लीकेशन हैं उनको सब ने यूज़ कर रखी है। तो इसमें कहीं ना कहीं वेब डेवलपर्स ने काम किया है एप्लीकेशन को डेवलप करने के लिए। जो फ्रंट एंड में हम लोग यूज़ करते हैं एप्लीकेशन, जैसे आपने वेबसाइट को ओपन की, तो जो यूज़र इंटरफेस या जो फ्रंट एंड पे लॉजिक चल रहा होता है वो एक्चुअली वेब डेवलपर ही ने लिखा होता है। तो अब जैसे वेब डेवलपमेंट करने के लिए ऐसा नहीं है सिर्फ आपको एक चीज़ सीखनी है, सीखनी तो बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन अगर हम ये समझे कि वेब डेवलपर क्या होता है, तो एक लाइन में अगर बोलें तो ऐसा सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो वेब एप्स को डेवलप कर रहा हो या वेबसाइट को डेवलप कर रहा हो। अब कंफ्यूज मत होइएगा, यूआई यूएक्स डिजाइनर अलग होता है, वेब डेवलपर अलग होता है, ठीक है। तो जो वेबसाइट को डेवलप कर रहा हो एंड जो वेब एप्लीकेशंस को डेवलप कर रहा हो उसी को हम लोग बोलते हैं वेब डेवलपर। तो गाइस अब दूसरा क्वेश्चन आता है दिमाग में कि क्या वेब डेवलपर की एक अच्छी सैलरी होती है, क्या वो बहुत अच्छी सैलरी, हाई पेड सैलरी उठा सकता है, उसकी मार्केट में डिमांड क्या है, क्या उसको बहुत अच्छे पैसे मिलेंगे। तो एग्जैक्टली अगर हम एक वर्ड में आंसर दें तो यस, वेब डेवलपर की बहुत ज़्यादा डिमांड है आज के समय में। एंड ऑब्वियसली बात है कि कोई भी बड़ी कंपनी हो, चाहे गूगल हो, चाहे फेसबुक हो, चाहे माइक्रोसॉफ्ट हो, या कोई भी बीस्ट होगा, या कोई भी जाइंट हो, बड़ी कंपनी हो, MNC हो, उसको वेब डेवलपर हायर करने ही पड़ते हैं, क्योंकि किसी चीज़ का भी फ्रंट एंड बनाना हो तो ऑब्वियसली बात हो वेब पे तो एग्जिस्ट करता ही करता है, दैट मीन्स उसको वेबसाइट, वेब एप्स वगैरह बनाने ही होते हैं। तो इसका मतलब है कि बहुत बहुत ज़्यादा डिमांड है, एक बड़ी से बड़ी कंपनी भी और छोटी से छोटी कंपनी भी वेब डेवलपमेंट की एक वैल्यू करती है। वो अलग बात है कि आप किस कितना एक्सपीरियंस हो गया, आपकी सैलरी कितनी हाइक होगी, बट अगर हम एक मोटा मोटा समझें तो एग्जैक्टली वेब डेवलपर की बहुत ज़्यादा डिमांड है और बहुत अच्छी सैलरीज भी हैं, जिस हिसाब से आजकल फ्रेमवर्क्स हो गए हैं। जैसे अगर आप एंगुलर रिएक्ट में काम कर रहे हो तो आपकी काफ़ी अच्छी सैलरी, और पर्सनली मैं बहुत सारे लोग को जानता भी हूँ गाइज जो एक बहुत अच्छी सैलरी उठा रहे हैं, ठीक है। सो अगर ऐसा सोचे कि भाई सैलरी है तो बिल्कुल आपकी बहुत अच्छी सैलरी लगेगी अगर आप एक अच्छे डेवलपर बन गए। तो यहाँ पे कुछ कॉमन क्वेश्चन थे, उनको मैंने गाइज सॉल्व कर दिया। तो गाइज अब बात आती है कि कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज हमें सीखनी चाहिए एक अच्छा वेब डेवलपर बनने के लिए, और कितना समय हमें लगाना चाहिए एक वेब डेवलपर को बनने के लिए। तो स्टार्ट करना चाहिए आपको, जैसे फॉर एग्जांपल आपको सबसे पहले वेब से रिलेटेड टेक्नोलॉजी एंड टर्म सीखने चाहिए कि वेबसाइट क्या होती है, स्टैटिक वेबसाइट क्या होती है, डायनेमिक वेबसाइट क्या होती है, एंड सर्वर्स क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें आपको स्टार्टिंग में सीखनी चाहिए, बेसिक, ठीक है। देन आपको स्टार्ट करना चाहिए एक्चुअली HTML से, क्योंकि HTML ही एक ऐसी टेक्नोलॉजी है, कह सकते हैं एक ऐसी चीज़ है जो वेबसाइट्स को बनाने के लिए एक बेस है, ठीक है। उसी की हेल्प से आप वेबसाइट का स्ट्रक्चर दोगे कि भैया ये हमारी हेडिंग है, ऐसी इमेज दिखेगी, ऐसी मतलब इमेज यहाँ लगेगी, फिर पैराग्राफ होगा, फिर ये होगा। तो आप HTML बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप स्टार्ट करिए, सबसे पहला स्टेप है HTML से शुरू करिए। लेकिन HTML को सीखने का टाइम जो होना चाहिए वो लिमिटेड होना चाहिए। ऐसा नहीं कि भाई आप शुरू कर दिया और उसको सीखते जा रहे हो 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, तो वो फिर मतलब बेकार आइडिया होगा, ठीक है। तो आप कम से कम 4 से 5 दिन का टाइम दीजिए और HTML के बारे में चीज़ें सीख लीजिए, थोड़ा बहुत स्ट्रक्चर सीख लीजिए बनाना, वेबसाइट का स्ट्रक्चर नॉर्मल सीख लीजिए बनाना, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। तो ज़्यादा टाइम मत दीजिए, क्योंकि यार देखो अगर आपका माइंडसेट ये रहेगा कि एक ही बार में सब कुछ सीख लें देन आगे बढ़े तो मुश्किल हो जाएगी, तो आप फिर नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो मेरा रिकमेंडेशन है कि आप 3 से 4 या मैक्सिमम 5 दिन रख के चलिए, 5 दिन
आप HTML को दीजिए एंड HTML के बारे में जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, उसको क्या कर लीजिए, उसको मास्टर बन जाइए. देन आप मूव कर जाइए CSS पे, कैस्केडिंग स्टाइल शीट. तो यहां पे कैस्केडिंग स्टाइल शीट क्या होगा, क्या करेगा कि जो आपने वेबसाइट को बनाई है उसको स्टाइल करने में मदद करेगा. दैट मींस उसको सजाने में मदद करेगा, उसको मेकअप करने में मदद करेगा. आपने भैया HTML के सपोज हाथ वाथ बना लिया, बट हाथ को सुंदर कैसे बनाओगे, ठीक है, हाथ पे कपड़े पहना दो या हाथ पे कलर कर लो, पेंट कर लो, तो ये सारी चीजें किसकी हेल्प से करेगा, ये सारी चीजें आप करोगे CSS की हेल्प से. तो CSS बहुत इंपॉर्टेंट है, CSS के कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा है, क्योंकि वेबसाइट में भैया लुक एंड फील, सजाना, ये सारी चीजें आप CSS की हेल्प से कर पाओगे. अब CSS भी आपको स्टार्टिंग से लेकर के बैठ के एंड लास्ट तक नहीं सीखना है कि भैया हम ये सीख ले तभी हम आगे बढ़े, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है. आपको जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, सबसे पहले बेसिक्स ऑफ CSS, एंड देन आपको बॉक्स मॉडल, पैडिंग, मार्जिन, ये सब उसमें आ जाएगा. देन बैकग्राउंड्स वगैरह के बारे में, एंड दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं जैसे फ्लेक्स बॉक्स, एंड देन CSS को यूज करके वेबसाइट को डिजाइन करना. कुछ बेसिक बेसिक टेम्पलेट्स आप बनाओ, जैसे आपने यहाँ पे बैनर बना दिया, देन आपने इमेज लगाया, एंड देन एक अबाउट सेक्शन बना दिया. ऐसे करके आप चीजें बनाओ धीरे धीरे एंड ट्राई टू बिल्ड समथिंग. ऐसा नहीं कि आप सिर्फ थ्योरी पढ़ रहे हो, किताब उठा लिया, किताब पढ़ते जा रहे हो, या कोई वेबसाइट खोल ली उसको पढ़ते जा रहे हो, या कोई ट्यूटोरियल पढ़ा रहा है उसको पढ़ते जा रहे हो, तो भाई उसका फिर कोई बेनिफिट नहीं होगा. तो तरीका यही है कि आप जो कॉन्सेप्ट सीख रहे हो, नॉलेज तो आपको होनी चाहिए, साथ ही साथ में आप कुछ बिल्ड भी करते जाओ. HTML आपने सीखा था पहले, देन आप उसी HTML को आप स्टाइल करिए, ठीक है. सो कहने का मतलब आप CSS को मास्टर करिए, लेकिन टाइम जो लिमिटेड होना चाहिए वो एक हफ्ता, 7 से 8 दिन, बस 7 से 8 दिन से ज्यादा अगर आप CSS में लगा रहे हो, दैट इज नॉट एक्चुअली अ गुड आइडिया. आई होप आप समझ पा रहे हो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है. तो मैक्सिमम 8 दिन से ज्यादा नहीं, तो 5 डेज हमारे हो गए HTML एंड 8 डेज हो गए हमारे CSS पे. CSS पे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपको सीखना जरूरी है, जैसे कुछ और मैं बता दूं, हाईलाइट्स, जैसे फ्लेक्स बॉक्स हो गया, बॉक्स मॉडल हो गया, बैकग्राउंड, ये सारी चीजें, कलर्स मैनेजमेंट, ये सब चीज आपको अच्छे से अगर आप सीख लोगे. देन अब बात आती है कि भैया आप क्लाइंट साइड पे प्रोग्रामिंग कैसे कर पाओगे, किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की हेल्प से कर पाओगे. कोई लॉजिक लगाना हुआ, बटन क्लिक करे तो भैया कलर ब्लू से हरा हो जाए या ब्लास्ट हो जाए, भैया सारी चीजें कैसे करोगे, तो उसके लिए आपको सर्वर साइड की लैंग्वेजेस का यहाँ पे ज्यादा यूज नहीं होगा. आपको यहाँ पे कोई क्लाइंट साइड की लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी, और सबसे ज्यादा पॉपुलर लैंग्वेज है जावास्क्रिप्ट. तो अब आपको यहाँ पे जावास्क्रिप्ट की बारी आएगी, और आपको यहाँ पे जावास्क्रिप्ट सीखना पड़ेगा. आप अगर आप जावास्क्रिप्ट से भाग रहे हो तो यहाँ पे काम नहीं चलने वाला. अगर आपको एक प्रो इंजीनियर बनना है या प्रो वेब डेवलपर बनना है, तो आपको जावास्क्रिप्ट में मास्टरी हासिल करनी पड़ेगी. ये मतलब 100% ट्रूथ है, इससे आप भाग नहीं सकते. आई होप आपको समझ में आ रही होंगी चीजें. सो जावास्क्रिप्ट स्टार्ट करिए, एंड जावास्क्रिप्ट जब आप स्टार्ट कर रहे हो तो ये जावास्क्रिप्ट आप लेके जाइए मुश्किल से ये 15 से 20 दिन, मेरा जितना एक्सपीरियंस है, चाहे आप बिगिनर हो, अगर आप इंटरमीडिएट हो तो और इसको कम से कम टाइम में फिनिश करने की कोशिश करिए. बट 20 दिन 20 डेज इज मैक्सिमम, उससे ज़्यादा आप एक्सटेंड मत करिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को, क्योंकि इसमें आपको बेसिक कॉन्सेप्ट सीखने हैं, जैसे जावास्क्रिप्ट क्या होती है, कैसे इसको HTML के साथ इंक्लूड करते हैं, वेरिएबल्स, डेटा टाइप्स, ये सारी चीज़ें सीखनी है. देन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के कॉन्सेप्ट सीखने हैं. देन फिर हमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, ऑब्वियसली बात है, उससे पहले हम फंक्शंस सीख लेंगे, फंक्शंस कैसे बनाते हैं, एरो फंक्शंस वगैरह, सारी चीज सीखने के बाद हम जेसन के बारे में सीखेंगे. जेसन के बारे में सब कुछ सीखने के बाद हम API कॉलिंग सीखेंगे, फेच मेथड जो है, अजैक्स वगैरह क्या होता है, ये सब चीज सीखेंगे. एंड देन फाइनली ES6 के न्यू फीचर्स आपको सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है, जैसे स्प्रेड ऑपरेटर्स या फिर हमारा प्रोमिसेस के कॉन्सेप्ट, ये सब चीजें बहुत ज्यादा जरूरी थी सीखना. तो यही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जावास्क्रिप्ट में. पहले आप बेसिक सीख लीजिए 2-4 दिन में, एंड देन जो ऊप्स पे थोड़ा फोकस करिए, फंक्शन सीखिए, जेसन, API कॉलिंग, एंड देन ये सब यूज करिए. बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसको प्रैक्टिकल छोटे छोटे मॉड्यूल्स बनाइए एंड उनको, अब जैसे मान लीजिए API आप सीख रहे हो, तो API सीखते वक्त साथ ही साथ में आप क्या करो, आप उसको प्रैक्टिकल ऑनलाइन बहुत सारी APIs अवेलेबल हैं, उनको कॉल करके देखो, ठीक है. जैसे GitHub की आप API यूज कर सकते हो, तो आप उसको एक्चुअली में कॉल करके देखो, तभी आप चीजें समझ पाओगे. यही मेरा टिप है. अदरवाइज इंटरनेट पे तो बहुत सारे ब्लॉग्स आपको मिल जाएंगे जिसमें रोड मैप बनाई गई, बट ये एक्चुअली टिप ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है. आपने इसे पढ़ लिया, पढ़ने से काम नहीं होगा, पढ़ने के बाद आप उसको प्रैक्टिकल यूज करके भी देखोगे, तभी चीज समझ में आएगी. सो लेट सपोज हम लोगों ने 20 डेज ले लिया जावास्क्रिप्ट के लिए, लेकिन 20 डेज में ऑलमोस्ट कम से कम आप सारी चीजें जो बेसिक्स हैं, इंपॉर्टेंट है, विद ES6 न्यू फीचर, जावास्क्रिप्ट के नए फीचर्स के साथ आपका डन होना चाहिए, तभी आप आगे बढ़ जाओगे. उसके बाद जब आपने HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट सीख लिया, एंड देन फोर्थ चीज जो आती है, दैट इज एक्चुअली
आप प्रोजेक्ट, अब आपको यहां पे एक अच्छा प्रोजेक्ट बनाना है, वो आपकी पर्सनल वेबसाइट हो सकती है या ऐसा सोचो आपकी एक कंपनी है एंड यू हैव टू बिल्ड योर कंपनी प्रोफाइल वेबसाइट कि भैया हमारी कंपनी ये कंपनी है, ये हमारी कंपनी का टैगलाइन है, ये लोगो है, ये गैलरी हमारी कंपनी की, इसमें हमारी एम्प्लॉयज की फोटोज है, इसमें हमारे स्टूडेंट्स की फोटोज है, अबाउट सेक्शन क्या है, हम कौन कौन से सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, ये पूरा हम एक अपनी पोर्टफोलियो वेबसाइट या एक अपनी कंपनी की पर्सनल वेबसाइट या अपनी खुद एक ब्रांड, आप खुद को एक ब्रांड समझो और अपने आप की खुद की एक वेबसाइट अच्छे से बनाओ HTML CSS एंड सिर्फ JavaScript को यूज करके। अब इसमें आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेंगी, ये एक लैंडिंग पेज भी हो सकता है जिसमें एक ही पेज में आप सारी चीजें दिखा दो, तो ये काम जरूर से करो। HTML CSS एंड JavaScript के बाद यू हैव टू बिल्ड अ फुल फ्लेश्ड प्रोजेक्ट या फुल फ्लेश्ड वेबसाइट आपको बनानी है। आपके दिमाग में कोई आइडिया नहीं आ रहा है, आप खुद से अपनी वेबसाइट बैठिए, सोचिए क्या हमारी वेबसाइट में कंपोनेंट्स होंगे, क्या क्या हम बनाना चाह रहे हैं, वो सारी चीज आप डिजाइन करिए, कॉपी लीजिए, पेन लीजिए एंड फिर से बनाइए, मेहनत करिए, ठीक है, सारे कंपोनेंट्स जोड़ने की कोशिश करिए विद द हेल्प ऑफ जावास्क्रिप्ट, जो जो कंपोनेंट्स। चलो अगर नहीं भी आप कर पाते हो तो आप क्या करो, किसी दूसरे कंपनी की वेबसाइट पर जाओ और उसको क्लोन करने की कोशिश करो। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम लर्न कोड विद दुर्गेश की वेबसाइट है, आप उसको HTML CSS JavaScript की हेल्प से क्लोन करने की कोशिश करो। देन जब चार चीजें हो जाएंगी देन आप एक इंटरमीडिएट की चीजें सीख चुके हो, HTML आपको आती है, CSS आपको आता है, JavaScript आपको आता है एंड आपने एक वेबसाइट भी बना लिया, दैट मीन्स अब आप 40% चीजें सीख चुके हो। अब आप जो डेवलपमेंट आपने किया है उस डेवलपमेंट को आसान करने के लिए अब आपको चीजें सीखना है, आसान करने के लिए मतलब जो आपने मेहनत की HTML में, CSS में, JavaScript में, उस चीज को आप आसान करोगे। आसान कैसे करोगे, आसान करने के लिए एग्जैक्टली हमारे पास और भी चीजें हैं, और भी टेक्नोलॉजी से, और भी फ्रेमवर्क से, इतने से काम नहीं चलेगा, ठीक है, पहले चल जाता था, थोड़े दिन पहले, 2-4 साल पहले की बात करो तो चल जाता था, बट अब नहीं चलेगा, आपको और भी चीजें सीखनी पड़ेगी एंड और भी हार्ड वर्क करना पड़ेगा। सो लेट्स सी और आगे क्या हमें सीखना पड़ेगा। तो गाइस अब बताती हूं, आपने जब प्रोजेक्ट बना लिया देन अब आपको यहां पे कुछ फ्रेमवर्क सीखने पड़ेंगे एंड अभी हम डिजाइन फ्रेमवर्क से बात कर रहे हैं, दैट मींस हम बात कर रहे हैं यहां पे बूटस्ट्रैप की। बूटस्ट्रैप एक बहुत ज्यादा डिमांडिंग फ्रेमवर्क है एंड बहुत सारी कंपनियां, स्टार्टअप्स, बड़ी बड़ी कंपनियां भी बूटस्ट्रैप को यूज कर रही हैं, तो बूटस्ट्रैप आपको सीखना पड़ेगा एंड अच्छे से सीखना पड़ेगा। मैं तो कहूंगा कम से कम 3 प्रोजेक्ट्स आप बूटस्ट्रैप पे बनाइए। सबसे पहले बूटस्ट्रैप की वेबसाइट पे जाइए, वहां पे देखिए कि बूटस्ट्रैप एक्चुअली है क्या, उनके कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं, कौन कौन से फीचर्स हैं, तो ये सब चीज यूज करके देन आप फुल प्लेस्ड वेबसाइट क्रिएट करिए विद द हेल्प ऑफ बूटस्ट्रैप। बूटस्ट्रैप आपको बहुत सारे कंपोनेंट्स प्रोवाइड करता है, सो आपको सोचने की जरूरत नहीं है, उन कंपोनेंट्स को यूटिलाइज करिए, यूज करिए, आपका काम हो जाएगा। सो कम से कम बूटस्ट्रैप सीखने में आप मान लीजिए 15 days, क्योंकि इसमें आपका प्रोजेक्ट भी इंक्लूडेड है। 5 days में आप एक प्रोजेक्ट बनाइए, 5 days में आप एक प्रोजेक्ट बनाइए एंड 5 days में आप एक प्रोजेक्ट बनाइए। प्रोजेक्ट कैसा होगा, प्रोजेक्ट किसी की स्टोर की वेबसाइट हो सकती है, किसी की ब्रांड की वेबसाइट हो सकती है, किसी कोई ब्यूटी पार्लर की वेबसाइट हो सकती है, कोई आपका मान लीजिए कुछ दुकान खोल रहा उसकी वेबसाइट हो सकती है, तो आपको ऐसे ऐसे सिनेरियो सोच करके काम करना है। सो आई होप आपको चीजें समझ में आ रही होंगी गाइस। और साथ ही साथ में अगर आप बूटस्ट्रैप सीख रहे हो तो आप एक दो फ्रेमवर्क्स पे और नजर रखिए, जैसे मटेरियल सीएसएस क्या होता है, मेटेरलाइज सीएसएस करके फ्रेमवर्क्स है, तो थोड़ा बहुत नजर कर रखिए, आइकन्स के बारे में सीखिए, गूगल आइकन्स के बारे में सीखिए, गूगल फॉन्ट्स के बारे में सीखिए, तो ये सब चीज आपको सीखना पड़ेगा। आई होप आपको चीज समझ में आ रही है। सो लेट सपोज आपने 15 दिन और लगाए और 15 दिन में बूटस्ट्रैप भी सीख लिया, देन आप एक बहुत अच्छी वेबसाइट को क्रिएट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ बूटस्ट्रैप। एंड बूटस्ट्रैप की हेल्प से जो आप वेबसाइट क्रिएट करोगे, एक्चुअली उस वेबसाइट को आपने बहुत अच्छे से बना दिया, सो आप फ्रीलांस वर्क भी ले सकते हो। यहां पे फ्रीलांस वर्क लेने के लोगे काम करोगे, देन आप उससे पैसे भी कमा सकते हो, बहुत अच्छी वेबसाइट और टेम्पलेट बना के उसको प्रीमियम साइट्स पे सेल भी कर सकते हो। दैट मीन बूटस्ट्रैप आपने सीखा, दैट मीन्स अब आप एक 80% या 70% आप मान लीजिए 75% आप एक वेब डेवलपर बन चुके हो। अब आप CV भेज सकते हो, जो आपने 3-4 प्रोजेक्ट्स आपने बनाए हैं लर्निंग के दौरान, तो आप क्या कर सकते हो, उनको अपने CV में अटैच कर सकते हो, लिंक्स उनकी अटैच कर सकते हो और वो अपने आप एक्सप्लोर कर सकते हो, और भी चीजें आप दिखा सकते हो अपने इंटरव्यूअर को, या जो भी आपका इंटरव्यू ले रहा है, या कहीं आप शोकेस करना हो, कॉलेज प्रोजेक्ट हो, सारी चीजें आप दिखा सकते हो एंड आप अपनी वैल्यू को इंक्रीज कर सकते हो। ना बात आती है कि क्या इतने में वेब डेवलपर आप बन चुके हो, मैं कहूंगा नो, अभी नहीं, अभी और भी चीजें बाकी है। क्या बाकी है गाइस, देखिए ना अब बात आती है जो मोस्ट डिमांडिंग फ्रेमवर्क्स हैं जिन पे बड़ी बड़ी कंपनियां काम कर रही हैं, क्योंकि यार देखो HTML CSS JavaScript तो ठीक है आपने सीखा है क्योंकि अब आपको आगे बढ़ना था, ठीक है, बट एक्चुअली जो काम हो रहा है वो अब हो रहा है JavaScript की फ्रेमवर्क्स पे, जैसे React.js, Vue.js, Angular.js, Next.js, तो ऐसे करके फ्रेमवर्क्स आपको सीखना पड़ेगा। तो आप चूज वन ऑफ देम, आप एक उसमें से चूज करिए, ऐसा नहीं कि आप आग बंद करिए, आपका दोस्त एंगुलर सीख रहा है तो हम भी एंगुलर सीखेंगे और अलग अलग करने लगे और फिर गड़बड़ हो गया, समझ गया ना।
तो अब आप ऐसा नहीं करना है, चूज वन ऑफ देम जो आपको लग रहा है कि हाँ ये चीज आपको सीखनी चाहिए या इस चीज का डिमांड है। मैं तो कहूंगा अगर आप बेसिक से आए हो तो आप रिएक्ट पे जाइए। इतना सब चीज मेरे कहने पे आपने फॉलो किया, सो गो फॉर द रिएक्ट। आप रिएक्ट पे जाइए, रिएक्ट एक आसान फ्रेमवर्क है एज कंपेयर टू एंगुलर। एंगुलर भी इजी है, ऐसा नहीं एंगुलर इजी नहीं है, हमने बहुत सारा काम किया है, बट रिएक्ट एक बहुत इजी टू लर्न फ्रेमवर्क है स्टार्ट करने के लिए। रिएक्ट बहुत फ्रेमवर्क है, बहुत बढ़िया फ्रेमवर्क है, तो आप स्टार्ट कर सकते हो, उसके कंपोनेंट्स वगैरह सीख सकते हो, एंड देन उसकी हेल्प से भी आप कोई प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हो, अपने सीवी में चीजों को ऐड कर सकते हो, देन आप रेडी हो किसी बड़ी कंपनी में जाने के लिए। ऑन द अदर हैंड अगर आप एंगुलर जेएस सीख रहे हो, नॉट जेएस, एंगुलर सीख रहे हो, तो एंगुलर में भी आपको थोड़ा सा टाइप स्क्रिप्ट की जरूरत पड़ेगी, तो आप टाइप स्क्रिप्ट के बारे में सीख लीजिए। अच्छा, टाइप स्क्रिप्ट भी आपको सीखनी पड़ेगी, ऐसा नहीं टाइप स्क्रिप्ट नहीं सीखनी पड़ेगी, टाइप स्क्रिप्ट भी इंपॉर्टेंट है, बट अभी आप रिएक्ट सीखेंगे तो वहां पे जावास्क्रिप्ट से काम हो जाएगा, तो आप टाइप स्क्रिप्ट बाद में सीख लीजिए। सो लेट सपोज आपने रिएक्ट जेएस सीख लिया, तो रिएक्ट जेएस सीखने के लिए ऑलमोस्ट मैं मान के चल रहा हूं एक महीना। रिएक्ट जेएस एक बढ़िया फ्रेमवर्क है, उसको जब सीखोगे तो उसके सारे कॉन्सेप्ट हुक्स वगैरह सारी चीज सीखने के बाद यू हैव टू बिल्ड अगेन प्रोजेक्ट। आप रिएक्ट जेएस की हेल्प से प्रोजेक्ट को क्रिएट करोगे। अब इसमें एपीआईज वगैरह यूज होंगे, तो मार्केट में बहुत सारी ऐसी एपीआईज हैं जो ऑलरेडी पब्लिक हैं, उनको हम लोग यूज कर सकते हैं फॉर द क्रिएटिंग अवर प्रोजेक्ट, या जैसे फायरबेस वगैरह भी आप यूज कर सकते हो जो आपको बैकएंड की सर्विस प्रोवाइड कर देगा। एंड साथ ही साथ में अगर आप कोई बढ़िया एप्लीकेशन बना रहे हो, तो सपोज आपके फ्रेंड ने बैकएंड बना दिया, तो आप फ्रंट एंड में हेल्प कर सकते हो उसकी, या अपना फ्रंट एंड उससे कोलैबोरेट करके काम कर सकते हो, बट एक फ्रेमवर्क आना चाहिए मस्ट। सो यहाँ पे हमारा एक वेब डेवलपर की जर्नी एंड नहीं होगी। अगर आप ये सोच रहे हो कि एंड हो जाएगी, तो एंड नहीं होगी। लर्निंग इज एक्चुअली अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, आपको चीजें डे बाय डे सीखनी पड़ेगी, एंड आपको लर्निंग सीखनी ही पड़ेगी। ऐसा नहीं कि आपने HTML सीख लिया, JavaScript सीख लिया, Bootstrap सीख लिया, एंड देन आपने React JS सीख लिया, एंड देन आपने प्रोजेक्ट्स भी बना लिए, एंड यहाँ पे एंड नहीं। अब आपके झोली में समझ लो ये सब चीजें आ चुकी हैं। अगर झोली में ये सब चीजें आ चुकी है, देन अब आप इनको शोकेस कर सकते हो, अपना एक पर्सनल वेबसाइट बना दो, सीवी में ऐड कर दो, उसका बेनिफिट जरूर से मिलेगा। इतना सारी चीजें अगर आप कर लेते हो ना, तो ट्रस्ट मी आपको कोई भी नहीं रह सकता जॉब पाने के लिए। बहुत सारे लोग बोलते हैं सर जॉब नहीं लग रही है, ये नहीं लग रहा, वो नहीं लग रहा, हमें शॉर्टलिस्ट नहीं करना है। भाई कोई क्यों करेगा? आप ये चीज़ तो सोचो, आप खुद को सोचो, आपकी कंपनी है तो आप नेक्स्ट पर्सन को क्यों हायर करोगे? समझ में आ रहा है मैं क्या करूँ? नेक्स्ट पर्सन को क्यों हायर करोगे जब आपको बेनिफिट दे सकेगा, प्रोजेक्ट्स वो क्रिएट कर सकेगा आपके लिए? तो ये सब चीज़ें समझ में आ रही है। एंड थोड़ा सा अगर आपको और अच्छी वेब डिजाइनिंग वगैरह करनी है, तो आप UI यूजर इंटरफेस, यूजर एक्सपीरियंस, UI UX के बारे में सीख सकते हो। कलर वलर का थोड़ा सा बढ़िया आपको अगर एक्सपीरियंस है, या अगर आपने सीखा है थोड़ा बहुत, तो आप और अच्छी चीज़ें बना सकते हो। सो दैट्स इट, आप चीज़ें सीखते रहो, इतना आपको सीखना ही सीखना है। सो लेट्स सी कि कितना ऑलमोस्ट 2 महीने का टाइम लगेगा ये सब करने में। मुझे जहाँ तक लगता है अगर आप स्टार्टिंग से करते हो, तो HTML मैंने बोला था 5 days, CSS बोला था मैंने 8 days, JavaScript मैंने बोला था आई थिंक 20 days, एंड बूटस्ट्रैप फ्रेमवर्क्स जो बोला था मैंने बोला था आई थिंक 15 days, एंड रिएक्ट का मैंने बोला था 30 days। तो ये चीजें मैंने आपको बता दिया। अब ये मेरे अकॉर्डिंग कैलकुलेशन है, आप टोटल डेज को आप कैलकुलेट कर लीजिए, बाकी आप इधर उधर भी कर सकते हो। लेकिन एक चीज और बताना चाहूंगा, आप लगन से पढ़िए, आपके अंदर करने का जोश होना चाहिए कि भाई मुझे करना है। और डेज का मतलब होता है प्रॉपर दिन दीजिए, कम से कम ऑलमोस्ट 2 से 4 घंटा तो आप पर डे तो काम करिए ही करिए, ठीक है? सो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आएंगी। ऐसे ही वीडियो चाहिए, अगर आपको फुल स्टैक पे रोड मैप चाहिए, तो आप कमेंट सेक्शन बता सकते हो, मैं उसका भी बना दूंगा। एंड अगर आपको ये यूजफुल वीडियो लगी हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, एंड वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, मैं ऐसे वीडियो ज्यादा करता हूँ। चलिए, बाय बाय, टेक केयर।